सब्सक्राइब कीजिए व्लॉग्स विद जिनी को, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम रिव्यू कर रहे थे ये अंकुर का डो मेकर जो हमने अमेज़ॉन से मंगाया है। ये बहुत ही जल्दी बहुत ही फास्ट डिलीवरी में मेरे पास आया था और ये बहुत ही अच्छा है। इसमें रोटी इसके लिए आटा बनाना, पराठे के लिए, पूड़ी के लिए आटा बनाना बहुत ही ईजी हो गया है। और इसकी अनबॉक्सिंग मैंने काफ़ी दिन पहले कर दी थी क्योंकि जब कोई चीज़ हम इस्तेमाल कर लेते हैं उसके बाद ही उसका रिव्यू करते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया है और मैं उसका रिव्यू कर दूं। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर एक आटा मेकिंग ब्लेड है और वाटर बाउल है और आटा बॉल है और इसके अलावा एक ऑयल लिड है, ऑयल स्पून है जिसके लिए आप आटे में तेल वेल डालते हैं पराठे के लिए, उसके लिए दिया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा लुक वाइज बहुत ही अच्छा है, वाइट कलर का है और बहुत ईजली आटा बन जाता है, बहुत कम टाइम लगता है आटा बनाने में और किचन का काम बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया है मेरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि इसकी अनबॉक्सिंग मैंने कर दी थी और इसको मैंने इस्तेमाल भी किया है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर मुझे क्या क्या मिला है। तो देखिए, एक ये मुझे मिला है, ये एक है डिब्बा मतलब आटा बनाने के लिए और इसको ओपन करने के बाद, और इसके ऊपर देखिए एक ये दिया हुआ है जिसको ओपन करके इसमें हम पानी ऑयल ऐड करते हैं। ये है आटे का ब्लेड और ये देखिए हैंडल है और ये कुछ कप्स हैं ऑयल और पानी और आटे के लिए। ये ऑयल के लिए है, ये वाटर के लिए है और ये आटे के लिए है। इसमें आप पराठा पूड़ी चाहे जिसका भी आटा बना लीजिए। तो चलिए हम आटा बना लेते हैं अपना, हम दिखाते हैं इसमें आटा कैसे बनाते हैं। तो चलिए इसका ब्लेड पहले लगा लेते हैं। इसका ब्लेड हमने लगा लिया है, उसमें हम आटा ऐड करेंगे। यहाँ पे हम दो कप आटा ले रहे हैं, दो कप हमने आटा ले लिया है और इसको हम कवर कर देंगे, इसका ढक्कन हम लगा देंगे। पहले ब्लेड लगाने के बाद और उसमें अपना आटा ऐड करने के बाद उसका ढक्कन लगा दीजिए। उसके बाद इसमें हम हैंडल लगा देंगे, इसका हैंडल, और उसके बाद हम इसमें स्टार्ट करेंगे पानी डालना। तो यहाँ पे मैंने दो कप आटा लिया है तो दो ग्लास मेरा इसमें पानी जाएगा, दो से ढाई ग्लास पानी ज़रूर जाएगा। ग्लास मतलब वो नहीं जो इसमें हम पानी पीते हैं, इसमें जो पानी के लिए ग्लास दिया हुआ है, मैं उस ग्लास की बात कर रही थी, छोटे से कप की बात कर रही थी। तो इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और इसको हैंडल को इस तरह से चलाते रहिए। बहुत कम टाइम लगता है गाइस आटा गूंदने में और मेरा किचन का काम बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है। झटपट आटा तैयार हो जाता है बिना मेहनत के, बिना कोई परेशानी के। बस ज़्यादा से ज़्यादा इतने आटे को गूंदने मुझे 5 मिनट का टाइम लगा है। 5 मिनट में आटा बिल्कुल रेडी हो गया है, देखिए बहुत अच्छे से आटा हो गया है रेडी। अब इसका हैंडल हम निकाल लेंगे। तो हैंडल निकालने के बाद कवर हम हटाएंगे और ब्लेड जो है आटे का ब्लेड इसमें से सारा आटा निकाल देंगे। आटा जब बिल्कुल रेडी हो जाए तो थोड़ा सा हाथ से इसको प्रेस करना पड़ता है, बस हल्का सा ऐसे आप प्रेस कर दीजिए, हल्का हल्का सा इस तरीके से लगा लीजिए और आटा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। कम से कम 10-15 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए और देखिए 10-15 मिनट के बाद मेरा आटा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, था ये मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा और इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिल पाए। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन क्लिक कर दीजिएगा।